हेलो गाइस, मैं तारा कुशवाहा। आज मैं मैगी खाने वालों के लिए बहुत ही बढ़िया मैं रेसिपी लेकर आई हूँ। मैगी पकौड़ा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। इसे बनने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक पैन मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, बहुत सारा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जैसे ऑयल गर्म होता है, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। जीरा क्रैश होने के बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने जो है ना, दो हरी मिर्च को बारीक चॉप किया था। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी। तो यहाँ पे आधी मैगी को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, हल्का इसका कलर चेंज हो जाने देंगे। जैसे ही इसका कलर लाइट ब्राउन कलर आएगा ना, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बाकी की चीज़ें जो हम डालने वाले हैं इस मैगी पकौड़े में, जिससे कि मैगी पकौड़े का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैगी का कलर जो है ना, वो चेंज हो गया है। लाइट ब्राउन कलर की मैगी हमारी हो गई है। तो अब हम यहाँ पे कुछ सूखे मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से कम लिया है मैंने। और उसके बाद इसमें हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही बढ़िया खट्टा सा फ्लेवर आ जाएगा। मिक्स करेंगे और उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने तीन आलू को बॉईल करके और हाथ से मैश कर लिया है। ऐड करेंगे और उसके बाद ना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप चाहो तो इसी टाइम पे नमक भी ऐड कर सकते हो। तो पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे, उसके बाद नमक हम इसमें ऐड करेंगे। बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आलू के जो टुकड़े बड़े दिख रहे हैं ना, उनको भी हम अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर देंगे, ताकि टुकड़े छोटे हो जाएँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम ना लो रखेंगे, ताकि जले नहीं। तो अब जो है ना, बढ़िया से मिक्स होकर के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला, जो मैगी के पैकेट के अंदर होता है ना, उसी को मैंने लिया हुआ है। एक पैकेट लिया है मैगी मसाला, ऐड कर दिया। अब हम नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। मैगी मसाले में भी नमक रहता है, इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक का यूज़ करेंगे। अच्छे से हम मिक्स कर देंगे नमक और मसाले को। तो यहाँ पे देखिए, 1 मिनट तक मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमारी स्टफिंग जो है ना, एकदम हो गई है तैयार। बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है स्टफिंग का। तो फ्रेशनेस के लिए हम हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हरी धनिया की पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टफिंग को ना रख देंगे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। जब हमारी स्टफिंग ठंडी हो जाएगी, फिर हम मैगी पकौड़ा बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने प्लेट में निकाल दिया है। ये ठंडी हो गई, तो अब हम बाकी की जो तैयारियाँ हैं ना, वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें घोल तैयार करना होगा। तो 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और गाढ़ा घोल तैयार करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, बाद में हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया है, 1 चम्मच के लगभग। मिक्स कर देंगे हम। यहाँ पे ना गाढ़ा घोल रखना है, इससे क्या है कि हमारा मैगी पकौड़ा जो है ना, फ्राई करते समय फटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से घोल तैयार हो चुका है। इतना गाढ़ा घोल हमारा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैगी लिया हुआ, तो मैंने 1 पैकेट मैगी लिया हुआ था, आधा पैकेट पहले ही इस्तेमाल कर दिया है। बची हुई जो आधी पैकेट मैगी है ना, इसको हम तोड़ लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। इससे क्या है कि हमारे पकौड़े के ऊपर जो है ना, हमें इसको चिपकाने में आसानी होगी। तो अच्छे से इसको मैंने भी बारीक बारीक से तोड़ लिया है। और अब हम चलते हैं स्टफिंग की तरफ। स्टफिंग भी बहुत ही बढ़िया से ठंडी हो गई है। तो स्टफिंग को हम थोड़ा सा लेंगे, आप जितना बड़ा छोटा मैगी पकौड़ा बनाना चाहते हैं ना, उस हिसाब से स्टफिंग लीजिए। हाथ में गोल करिए और फिर दोनों हाथ की सहायता से इसको हम टिक्की जैसा आकार दे देंगे। तो अच्छे से हम इसको गोल कर लेंगे, थोड़ा सा अपनी उंगलियों की सहायता से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बढ़िया से जो है ना, गोल हो गई है। तो पहले हम क्या करेंगे, सारे पकौड़े को ना गोल करके रख लेते हैं। इससे क्या होगी कि हमें मैगी पकौड़ा बनाने में, फ्राई करने में बहुत ही आसानी होगी। तो यहाँ पे ना, इसी प्रोसेस से बाकी के जो बचे हुए हैं स्टफिंग है हमारी, उसकी मैगी पकौड़ा बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने जो है ना, टिक्की जैसा इसी तरीके से सारा बना करके तैयार कर लिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, घोल को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, क्योंकि हमने इसको रख दिया था तो नीचे जो है ना, कॉर्नफ्लोर जम जाता है। उसके बाद एक टिक्की को उठाएंगे हम और पहले घोल में अच्छे से डिप करेंगे, और फिर हम इसको निकाल करके मैगी के ऊपर रखेंगे और अच्छे से मैगी को चिपका देंगे पकौड़े के ऊपर। घोल लगाने से जो है ना, पहला जो है रहेगा
फ़ायदा कि हमारे जो है जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फटेगा नहीं, और दूसरा फ़ायदा यह है कि इस पे मैगी जो है ना बढ़िया से चिपक जाएगी। तो जितना अच्छे से आप मैगी चिपका सकते हैं आप उतना अच्छे से मैगी को चिपकाइए, पर अच्छे से चिपकाइएगा ताकि ऑयल में जो है ना ज़्यादा निकले नहीं। वैसे थोड़ा बहुत ऑयल में जो है ना फ्राई करते समय मैगी निकल जाएगी। तो इसी प्रोसेस से हम क्या करेंगे ना बाकी का भी तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही आराम से हमें दोनों हाथ से प्रेस कर देंगे थोड़ा सा ताकि निकले नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा जो है ना बना करके तैयार कर लिया है। अब हम चलिए फ्राई करने के लिए चलते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने ऑयल पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, गैस का फ्लेम मीडियम रखा था। एक एक पकौड़े को हम डाल देंगे फ्राई करने के लिए। तो एक बार में मैं यहाँ 4 पकौड़ा फ्राई कर रही हूँ। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो जितना ऑयल है उस हिसाब से। तो इसको हम ना डालने के बाद 2 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद फिर पलट पलट करके फ्राई कर लेंगे। जैसे ही पकौड़े का कलर जो है ना लाइट ब्राउन कलर आ जाता है तब समझिए कि आपका पकौड़ा जो है ना फ्राई हो गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लगभग 4 से 5 मिनट बाद जो है पकौड़े का कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। इसी प्रोसेस से जो बाकी के बचे हुए पकौड़े भी हैं ना उन्हें भी निकाल करके हम रख लेंगे। 10 से 15 मिनट में हमारे जो है ना मैगी के पकौड़ा बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी दिख रहा है ना। इस प्रोसेस से एक बार आप भी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप इसे अपने मनपसंद चटनी या केचप या टमाटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। गाइस आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज़।